नहीं नहीं वो नहीं, वो मैं करता हूँ फोन तो एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मार्टियर्स प्रीमियर लीग है हक इंसाफ काउंसिल की तरफ से, जिसकी जो नुमाइंदगी है वो सैयद ज़ीशान काज़मी करते हैं। तो ये 8 टीम्स का मैच है जो कि लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और 31 दिसंबर तक ये मैचेस चलते रहेंगे। जितने भी मार्टियर्स हैं हमारे पुंछ के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, जो जो लोग शहीद हुए ये उनके नाम पर फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। तो हम तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग आएँ, देखें इस मैच को और आनंद लें। तो यूथ के लिए किस तरीके का आपका पैगाम है जो आजकल लोग नशे की तरफ जाना चाह रहे हैं? हाँ, यूथ के लिए हमारा यही है कि स्पोर्ट्स जो है वो उसकी तरफ आएँ और अपनी डाइट वगैरह अच्छी करें, स्पोर्ट्स में आगे दिलचस्पी लें और स्पोर्ट्स में आगे फ्यूचर भी बहुत है, तो स्पोर्ट्स को देखें वो। और इसी स्पोर्ट्स के सिलसिले में हमारे जो ज़ीशान साहब हैं उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है ये कि यूथ को नशे से दूर रखने के लिए उनको स्पोर्ट्स की तरफ रागिब करें। और हम चाहते हैं कि ज़ीशान साहब ऐसे और इनिशिएटिव्स भी लें। क्रिकेट की लीग भी जब अभी स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, यूथ से रिक्वेस्ट है कि वो आएँ, पार्टिसिपेट करें, पूरे दिल से पार्टिसिपेट करें और नशे वगैरह से दूर रहें और अपना जो लाइफ है वो स्पोर्ट्स में आगे परस्यू करें। दरअसल आज यहाँ पे फुटबॉल प्रीमियर लीग का जो मैच है हक इंसाफ काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जो है वो चल रहा है। हक इंसाफ की पूरी टीम जो है वो नौजवान नस्ल को नशे से दूर रखने के लिए एक इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, जिसमें उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट किया है, जिसमें 16 टीमें जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इसके अलावा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट जो है वो चंडक में करवाया गया, जिसमें 10 से 11 टीमों ने वहाँ पे शिरकत की और उसका फाइनल हो चुका है। यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट जो है ये गुज़श्ता रोज़ से स्टार्ट है और यहाँ पर भी जो है मुख्तलिफ टीमें जो हैं इसमें शिरकत कर रही हैं। तो हक इंसाफ काउंसिल का मकसद और मतलब यही है कि वो एक यूथ को प्रॉपर दिशा में ले जाएं, अपने मुल्क और के लिए जो है और अपने हुब्बुल वतनी के लिए जो है इनको उत्साहित करवाएं कि उनको इस तरफ लाएं, नशे से मुक्त रहने के लिए, नशे से दूर रहने के लिए बच्चों को खेलों की तरफ मुतवज्जा करवाएं। ये उनका एक बहुत बड़ा मकसद है जिसके लिए हम हक इंसाफ काउंसिल की पूरी टीम और को जो है मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनकी एक अच्छी सोच है। और हक इंसाफ काउंसिल का इस साल जो है 10वां साल जो है उनकी इस ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए होने जा रहा है 19 जनवरी को।
और इसी सिलसिला के पेश नज़र ये जो है मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट्स जो हैं हक इंसाफ कौंसिल की तरफ से करवाए गए हैं और इसमें बहुत से नौजवान बच्चों ने शिरकत की है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी नौजवान नस्लें जो हैं अपने मुल्क के लिए बेहतरीन कारनामे सर अंजाम देकर अपने मुल्क का, अपने देश का, अपने मोहल्ले का, गाँव का, शहर का नाम रोशन करेंगे।